Hello everyone, are you fine? I will teach you subject Hindi. We will start ka se na. क्या रहेगा हमारा क से न. और ये आपकी बुक है मेरा पहला अक्षर लेखन. इसमें हमारा दे रखा है राइटिंग न. ये भी आपने अपनी बुक में कंप्लीट करना है. मेरा पहला अक्षर लेखन. फिर है आपका रीडिंग वाला वर्क मेरा पहला शब्द ज्ञान. जैसा कि आपका दे रखा है क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला. ग से घर अने खाली, च से चम्मच. ग से घर अण खाली, च से चम्मच. छ से छतरी, ज से जहाज, ज से झरना. छ से छतरी, ज से जहाज, ज से झरना, खाली. ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, आया खाली. ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ड से ढक्कन, अण खाली. रिपीट अगेन. ड से डमरू, ड से ढक्कन, अण खाली. त से तलवार, थ से थर्मस, द से दवाई. त से तलवार,
थस ए थर्मस, द से दवाई, द से धनुष, न से नल, पाते पासे पतंग, द से धनुष, न से नल, पासे पतंग। वैसे तो बेटा क से प तक जो हमने किया है इसके कई मीनिंग बन सकते, कई अर्थ बन सकते, मगर हमारे पास पिक्चर बुक में क से कबूतर ही दे रखा है तो हम उसको बोल रहे हैं। नहीं तो क से कबूतर भी होता है, क से कमल भी होता है, क से कलम भी होता है, ख से खरगोश भी होता है, ख से खप्पर भी होता है, ख से खंड भी होता है, ग से गमला भी होता है, ग से गधा भी होता है, ग से घर भी होता है, ग से घड़ी भी होता है, अणे खाली, च से चम्मच भी होता है और च से चरखा भी होता है, छ से छतरी भी होता है, छ से छड़ी भी होता है, ज से जहाज भी होता है और ज से जग भी होता है, ज से झंडा भी होता है और ज से झरना भी होता है, अहियां खाली, ट से टमटम भी होता है और ट से टमाटर भी होता है, ठ से ठठेरा भी होता है और ठ से ठेला भी होता है, ड से डमरू भी होता है और ड से डफली भी होता है, ड से ढक्कन भी होता है और ड से ढोल भी होता है, वरना खाली, त से तलवार भी होता है और त से तरबूज भी होता है, थ से थर्मस भी होता है और थ से थाली भी होता है, द से दबाव भी होता है और द से दवाई भी होता है। ये तो बेटा हमारे को पिक्चर दे रखी है इसलिए हम वही पिक्चर को बोलते हैं, मगर उसके कई चीजें भी होती हैं उसकी तरह, उस शब्द उस वर्ण की तरह। द से धनुष भी होता है और द से धन भी होता है, न से नट भी होता है और न से नाक भी होता है। ओके बेटा, तो अब हम रिटर्न वर्क करते हैं जो हमारा नोटबुक पे रहेगा। नोटबुक ओपन करें आप। लाइक दिस, सी द व्हाइट बोर्ड। हमने लिखना है अपनी नोटबुक में क, दूसरी लाइन से शुरू करते हुए थर्ड फोर्थ लाइन पे आएंगे हम, और हाफ गोला बनाते हुए ऊपर ले जाते हुए नीचे की तरफ आते हुए क, रिपीट अगेन, सीधी रेखा खींचते हुए हाफ गोला बनाते हुए ऊपर जाते हुए नीचे की तरफ आते हुए बनाएंगे हम क। राइट डाउन करो बेटा, क लाइन से तीसरी
लाइन पे आते हुए तीसरी लाइन से नीचे जाते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए सीधी रेखा खींचते हुए हाफ सर्कल बनाते हुए हाफ गोला बनाते हुए बनाएंगे ख। राइट डाउन करो ख। सीधी रेखा खींचते हुए नीचे से फोर्थ लाइन से थर्ड लाइन पे जाते हुए और लेटी हुई रेखा मिलाते हुए फिर सीधी रेखा खींचते हुए हम बनाएंगे ग। छोटी सी सीधी रेखा खींचते हुए उसे घुमाते हुए फिर दूसरी साइड घुमाते हुए ऊपर की तरफ हल्का सा छोड़ते हुए और बिंदु लगाते हुए अण खाली लाइन कंप्लीट करो क से अण। सेकेंड लाइन की तरफ सेकेंड और फर्स्ट के बीच में छोटी सी लेटी हुई रेखा बनाते हुए उसको घुमाते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए सीधी रेखा खींचते हुए बनाएंगे हम च। सब बनाओ राइट डाउन करो च। छोटा सी बनाते हुए पूरा सी बनाते हुए ऊपर की तरफ ले जाते हुए इसको गोल कर निकालते हुए क्या बनाएंगे हम छ। राइट डाउन करो छ। खींचते हुए लेटी हुई छोटी रेखा बनाते हुए ऊपर जाते हुए बनाएंगे हम ज। राइट डाउन करो ज। छोटी सी रेखा खींचते हुए उसे घुमाते हुए फिर अपनी तरफ ले जाते हुए बीच में से निकालते हुए जैसे ही से इमली बनाते हैं फिर सीधी रेखा बनाते हुए बीच में से लेटी हुई रेखा को मिलाते हुए बनाएंगे हम झ।
सेकंड और थर्ड के बीच में हम उल्टा सी बनाते हुए सीधी रेखा खींचते हुए लेटी हुई रेखा से उसको मिलाते हुए अण छोटी सी रेखा बनाते हुए और उसे घुमाते हुए हम बनाएंगे ट। राइट डाउन करो ट। छोटी सी रेखा बनाते हुए और उसे पूरा गोल करते हुए मिलाते हुए बनाएंगे ठ। छोटी सी सीधी रेखा बनाते हुए उसे सी हाफ बनाते हुए फिर अपनी तरफ ले जाते हुए ऊपर की तरफ छोड़ते हुए बनाएंगे ड। ड से डबलू। छोटी सी रेखा बनाते हुए सी बनाते हुए नीचे तक ले जाते हुए उसको थोड़ा सा गोल करते हुए बनाएंगे ढ। जैसे हम यू से अम्ब्रेला बनाते हैं अण यू बना के हम ऐसे करेंगे आधा यू बना के हम बनाएंगे अण। सीधी लाइन बनाते हुए इसे ऊपर से नीचे ले जाते हुए बनाएंगे त। सेकेंड लाइन से नीचे थोड़ी सी नीचे आते हुए इसको ऊपर ले जाते हुए फिर उसको उल्टा सी बनाते हुए फिर उसको ऊपर घुमाते हुए टच ना करते हुए लाइन से ऊपर की तरफ जाते हुए सीधी रेखा का खींचते हुए छोटा सा ऊपर से गोला करते हुए हम बनाएंगे थ। अगेन आपको और अच्छे से समझ में आ जाए नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए उल्टा सी बनाते हुए इसको घुमाते हुए ऊपर ले जाते हुए सीधी रेखा खींचते हुए यहां से छोटा सा गोला बनाते हुए बनाएंगे थ। छोटी सी लाइन खींचते हुए इसे सी बनाते हुए नीचे तक लाते हुए गोल करते हुए ढ बनाएंगे हम सॉरी टच ना करते हुए इसको मिलाते हुए हम बनाएंगे ढ। नीचे तक हमने छोड़ना है अगेन रिपीट अगेन छोटी सी लाइन बनाते हुए हाफ
हाफ सी बनाते हुए बीच में से निकाल के इसे नीचे वाली लाइन तक टच करते हुए हम बनाएंगे द। पहले हाफ सी फिर फुल सी लाइन से टच नहीं करना, ऊपर की तरफ जाते हुए सीधी रेखा खींचते हुए छोटा सा गोला करते हुए ध। सीधी रेखा खींचते हुए फिर हाफ छोटी रेखा खींच लेटी हुई रेखा खींचते हुए इसको नीचे से लाते हुए गोल करते हुए हम बनाएंगे न। तो ये आपका आज हो गया क से न। आप राइट डाउन करोगे अपनी नोटबुक में और जो आपकी बुक में है वो क्या है न राइट डाउन करना। ओके बेटा कंप्लीट योर वर्क क से न राइट इन नोटबुक और न राइट बुक। ओके।